दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, एक हफ्ते पहले मेरे पास में गूगल की तरफ से एक मेल आया था जिसमें लिखा था योर गूगल एड्स अकाउंट हैज बीन डिसबल। और सही बताऊं आप लोगों को, जब मैंने दोस्तों ये मेल जाके अपने जीमेल में देखा ना, तो दोस्तों मेरी नींद उड़ गई। और मैंने दोस्तों मैं तो इतने मन में ये सोचता रहा कि यार एक्चुअल में ये मेल है क्या और यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, मतलब आपके पास में भी अगर ऐसा मेल आया है ना, तो दोस्तों आप लोग के भी होश उड़ गए होंगे और हक्के बक्के रह गए होंगे कि एक्चुअल में ये है क्या जहाँ पे लिखा है कि भैया योर गूगल एड्स अकाउंट हैज बीन डिसबल। हालांकि दोस्तों मैं बहुत देर तो यही सोचता रहा कि क्या अब मैं YouTube से पैसा नहीं कमा पाऊंगा, क्या मेरी 1.5 साल की मेहनत भैया पानी में फिर गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि एक्चुअल में ये मेल होता क्यों है और YouTube की तरफ से या फिर कह लो दोस्तों गूगल की तरफ से हमको क्यों दिया जाता है और इससे डरने वाली बात है या नहीं। यहां पे दोस्तों हो सकता है आप लोगों के पास में ये वाला मेल ना आया हो, क्योंकि दोस्तों ये YouTube पर अगर आप लोग काम कर रहे हैं ना मेरी तरह, अगर आप लोग दोस्तों यूट्यूब क्रिएटर हैं, तो दोस्तों सकता है ये मेल बहुत ही कम लोगों के पास में आता है। क्योंकि दोस्तों यहां पे अभी आगे इस मेल का पूरा मतलब बताऊंगा कि एक्चुअल में ये मेल होता क्या है और दोस्तों ये किन किन लोगों के पास में आता है और क्यों आता है। और दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप लोग भी मेरी तरह एक यूट्यूब क्रिएटर है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो कंप्लीट पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर भविष्य में आपको इस प्रकार का मेल आता है तो दोस्तों एक्चुअल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोस्तों अब हमको क्या करना है और ये क्यों आता है। तो चलिए दोस्तों करता हूं अपनी वीडियो को स्टार्ट। बस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों करता हूं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों यहां पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों हो सकता है यहां पे अभी मैं थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा जाऊं, पर दोस्तों हो सकता है ना हिचकिचाऊं, उसकी मैं वजह बता दूं। देखिए दोस्तों अगर आप लोग मेरे प्रॉपर सब्सक्राइबर है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के मेरे पास में कमेंट आए थे कि अमर भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूं, क्यों नहीं बना रहा हूं, तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों जो लोग मुझको पर डे देखना पसंद करते हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर उनको अच्छे से याद होगा मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि भाई मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। क्योंकि दोस्तों यहां पे आप लोगों को बताऊं, अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका हूं, यानी कि दोस्तों पूरा का पूरा 1.5 हफ्ता मुझको लग गया स्वस्थ होने में। और जिस टाइम मैंने वो वाला वीडियो बनाया था ना, तब दोस्तों मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, पर मैं दोस्तों बोल सही से नहीं पा रहा था, सीना इतना ज्यादा जकड़ा हुआ था, बुखार इतनी ज्यादा तेज हो रखा था, पर दोस्तों फिर भी मैंने वो वीडियो बना दिया था। और दोस्तों उस टाइम ये था कि दोस्तों हां हल्की फुल्की वीडियो बना सकता था, पर दोस्तों मुझको ये नहीं पता था कि यार मेरी आने वाले समय में और भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताऊं, मैंने जहां पे मैं जॉब भी करता था वहां से भी मुझको 2-3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ गई थी। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज्यादा तबीयत मेरी खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों फाइनली आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के कमेंट्स को मैं रोज रीड करता था, रोज पढ़ता था, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अमर भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहा हूँ। हालांकि दोस्तों रिप्लाई में आप सभी लोगों को मैंने जवाब दे दिया था, पर दोस्तों यहाँ पे फाइनली आज मैं बताना चाहूंगा पूरे का पूरे दोस्तों 1.5 हफ्ते के बाद में आज मेरी फाइनली पूरी तरीके से दोस्तों तबीयत सही हो चुकी है। और देखिए दोस्तों मैं फटाफट बोल भी रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पे अपनी लाइन में भैया बोलने का ही काम है। तो दोस्तों आज से आप लोग को कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आज से ये इस वीडियो से मैं स्टार्टिंग करता हूं। चलिए दोस्तों अब आप लोग को पता चल गया कि भाई मैं अभी तक वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था। अब देखिए दोस्तों बताता हूं उस मेल का मतलब। देखिए दोस्तों जब मेरी तबीयत खराब थी, तब दोस्तों मैं अपना पर डे मतलब कि काम आप लोग के लिए वीडियो जरूर नहीं बना रहा था, पर दोस्तों आप सभी लोगों के ऊपर मेरी निगाह थी, अपने अकाउंट के ऊपर निगाह थी, कब कौन से जीमेल आ रहे हैं, कब किसने कमेंट किया, तो मतलब सबका रिप्लाई कर रहा था, क्योंकि यार उसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत तो होती नहीं ना। तो दोस्तों जब मैंने अपना जीमेल खोला, तो दोस्तों वहां पे ये प्रॉब्लम मुझको देखने को मिली। वहां पे लिखा हुआ था योर गूगल एड्स अकाउंट हैज बीन डिसेबल। अब देखिए दोस्तों अटेम्प्ट फटाना दिमाग का दुनिया भर की चीजें लिखी हुई थी, तो दोस्तों मैं वाकई में थोड़ा सा डर गया था। पर दोस्तों ये देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अब ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है, उसी तरीके से गूगल एड्स का अकाउंट होता है। यहां पे आप लोग को बताना चाहूंगा, गूगल एडसेंस का अकाउंट अलग होता है, गूगल एडवर्ड का अकाउंट अलग होता है। जब दोस्तों ये मैंने मेल पहली बार देखा था, तब दोस्तों मैं भी एक पल के लिए मतलब शॉक्ड हो गया था कि मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल कर दिया गया क्या। पर दोस्तों बाद में मैंने पूरा उस मतलब मेल को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा, और वहां पर दोस्तों बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। वहां पर दोस्तों मैंने देखा कि भाई एडसेंस का अलग होता है, गूगल एडवर्ड का अलग होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को बताना चाहूंगा, मेरा गूगल एडवर्ड का अकाउंट बना हुआ है, जिससे दोस्तों आप लोग वीडियो प्रमोट करते हो ना, जैसे कि दोस्तों हम ही सभी क्रिएटर बताते हैं कि भाई गूगल एडवर्ड में पैसा लगाओ, 2000 रुपये लगाओगे, ये वो फलाना ढिमाका दुनिया भर की चीज़ें बताई जाती हैं। तो वहाँ पर भी दोस्तों आज जैसे एडसेंस बनाया जाता है, वैसे ही दोस्तों वहाँ पर गूगल एडवर्ड का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो दोस्तों हुआ क्या था, हुआ देखिए दोस्तों ये मेल अगर आप लोग को भी मिला है ना, या फिर कह लो भविष्य में कभी भी आप लोग को मिले, तो दोस्तों डरने वाली बात नहीं ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा, गूगल एडसेंस का अकाउंट अलग होता है, गूगल एडवर्ड का अकाउंट अलग होता है।
अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो मेल है ना कैंसिल का, ये एक्चुअल में आता क्यों है। देखिए दोस्तों, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तब दोस्तों वहाँ पे मैं कीवर्ड सर्च करता था। अब देखिए दोस्तों, कीवर्ड सर्च करने के लिए हमको कीवर्ड प्लानर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में ये था कि भाई हम अपनी वीडियो को प्रमोट क्यों ना करें। अब देखिए दोस्तों, प्रमोट करने के लिए मुझको गूगल एडवर्ड का यूज़ करना था। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने एक साल पहले आईडी बनाई थी गूगल एडवर्ड की। अब देखिए दोस्तों, वो मैंने यूज़ भी किया था, पर दोस्तों वहाँ पे कोई भी कैंपेन नहीं चलाया था, यानी कि दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगाया था, बस जस्ट अपनी एक आईडी बना ली थी। अब देखिए दोस्तों, वो जब मैंने आईडी बनाई थी, आईडी बनाने के बाद में भैया मैंने छोड़ दी थी। अब दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों एक साल कंप्लीट हो गया था, और दोस्तों अभी की बात बता रहा हूं, एक साल पूरा कंप्लीट हो गया, और दोस्तों वहां पे गूगल एडवर्ड में ना ही मैंने कोई कैंपेन रन किया, ना ही दोस्तों उसमें कुछ भी कलाकारी करी। तो कुल मिला के ये होता है दोस्तों, अगर आप लोग साल भर तक गूगल एडवर्ड का यूज नहीं करते हो, तो गूगल की तरफ से दोस्तों आप लोग को डिसेबल का मैसेज मिल जाता है कि आपका जो अकाउंट है उसको डिसेबल कर दिया गया। पर दोस्तों यहां पर आप लोग को बताना चाहूं, अगर दोस्तों आप लोग इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीओपन करना चाहते हैं, तो भैया ये आराम से हो जाता है। आप लोग सीधे गूगल में जाइएगा, जैसे दोस्तों आप ने बनाया था वैसे ही दोस्तों आप लोग जाइएगा, वहां पे दोस्तों इनेबल करने वाला ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस पर भी एक वीडियो देखना चाहते हैं कि भाई डिसेबल अकाउंट को इनेबल कैसे किया जाता है, तो दोस्तों 2 मिनट का काम होता है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं ना, आप लोग के लिए वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर दोस्तों भविष्य में कभी भी आप लोग के पास में भी इस प्रकार का मेल आए, अगर दोस्तों आप लोग ने गूगल एडवर्ड का अकाउंट बना रखा है, तो दोस्तों डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं ना। ये भैया जस्ट ये होता है कि आपने गूगल एडवर्ड पे बहुत समय से काम नहीं किया है, इसलिए भैया गूगल ने आपका गूगल एडवर्ड अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया है। पर दोस्तों आराम से 1 मिनट के अंदर ये इनेबल भी हो जाता है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि दोस्तों एक्चुअल में ये मेल का मतलब क्या है। और दोस्तों मेरी तबीयत में पूरी तरीके से सुधार हो गया है, आप सभी लोगों ने बहुत सारी दुआ भी करी होगी, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अमर भाई आप जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों फाइनली आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं फिर से वापस आ गया। अब दोस्तों आज से आप लोग को पर डे वीडियो कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगी। और दोस्तों हाँ, जाते जाते यही कहूंगा दोस्तों, अगला वीडियो कल वाला वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए वो हमको कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं ना। और दोस्तों हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया जाते जाते लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि दोस्तों आप सबका प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा मुझको जरूरत है। चलिए दोस्तों, तब तक लेटर टॉप, बाय बाय, लव।